देखिए दोस्तों, हम आपके लिए आज ये प्रॉब्लमेटिक सोइल एंड देयर मैनेजमेंट का चैप्टर लेके आए हैं। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा सभी गवर्नमेंट प्रिपरेशन एग्ज़ाम में इसके लिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं जो प्रॉब्लमेटिक सोइल हैं उनके बारे में। प्रॉब्लमेटिक सोइल है क्या और क्या नहीं है। जैसे कि देखो दोस्तों, हमें आप जो मोर देन 50% नेट कल्टीवेशन एरिया फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम सोइल, यानी कि जो भारत की मृदाएं हैं उसमें 50% से अधिक एरिया शुद्ध कृषि क्षेत्र में, 50% अधिक एरिया है वो किसमें है, प्रॉब्लमेटिक सोइल में है। यानी कि प्रॉब्लम हर एक मृदा में, सोइल में प्रॉब्लम आती है। और जो विंड एरोजन ओक्यूर इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन वेयर विंड वेलोसिटी इज हाई, यानी कि जो विंड एरोजन होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है, एरिड एंड शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। किस कारण होता है, क्योंकि वहाँ पे जो विंड वेलोसिटी होती है सर्वाधिक होती है, इसलिए जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विंड एरोजन सर्वाधिक होता है, इसलिए वहाँ की मृदाएँ प्रॉब्लमेटिक सोइल है। अब अपन चलते हैं दोस्तों, पहले नंबर की मृदा है, पहले नंबर की मृदा पढ़ते हैं अपन, हाई परमेबल कोयर टेक्सचर सोइल, यानी कि अधिक पारगम्य कणाकार मृदा, अधिक पारगम्य कणाकार मृदा। प्रोडक्टिविटी ऑफ क्योर टेक्सचर सैंडी लोम सैंडी एंड लोमी सैंडी सोइल इज लो ड्यू टू इट्स एक्सपेक्टेड परमेबल विच परमिट्स परकोलेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट एंड डज नॉट इनक्योरेज हाई लेवल ऑफ कॉस्टली इनपुट। इसमें क्या होता है कि जो सैंडी और सैंडी लोमी सोइल होती है उसमें लो परमेबिलिटी यानी कि लो पारगम्यता आ जाती है, जो कि इसमें क्या होता है, परकोलेशन रेट है वाटर की और न्यूट्रेंट की वो क्या है, अधिक नहीं हो पाती है। इस प्रकार की मृदाएं सर्वाधिक होती हैं राजस्थान में हैं, हरियाणा में हैं और गुजरात में हैं। जो हाई परमेबल कोर टेक्सचर सोइल की मृदाएं होती हैं सर्वाधिक राजस्थान में हैं, हरियाणा और गुजरात में हैं। सोइल कंपैरेटिवली एंड क्ले मिक्सिंग शुड बी डन टू इम्प्रूव दें, यानी कि जो सोइल कंपेक्शन और क्ले का मिश्रण है अगर इसमें डालें तो इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, इस प्रकार की मृदाओं में बढ़ावा कर सकते हैं। अब अगली है अपने दूसरे नंबर की, स्लो परमेबल सोइल। स्लो परमेबल सोइल है ये, दिस सोइल एसोसिएट विद ब्लैक क्लेली सोइल होती है, जो कि सर्वाधिक कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में है और तमिलनाडु में है। जो स्लो परमेबल सोइल प्रकार की मृदाएं हैं वो कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र, एमपी, एपी, गुजरात, तमिलनाडु, इनमें ये इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। प्रॉब्लम ऑफ दी सोइल लाइकली विथ टोपोग्राफी एंड एनुअल रेनफॉल, इस प्रकार की मृदाएं टोपोग्राफी और एनुअल रेनफॉल औसत वार्षिक वर्षा पर निर्भर करती हैं, इस प्रकार की मृदाएं। अब अगले चलते हैं अपन दोस्तों, क्रस्टिंग सोइल। क्रस्टिंग सोइल क्या होती हैं, जो क्रस्टिंग सोइल है वो क्या होती हैं, क्रस्टिंग सोइल एलुवियल सोइल इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑल कंट्री, यानी कि जो क्रस्टिंग होती है यानी कि जो परपटी क्रस्ट बन जाते हैं सोइल के ऊपर, वो एलुवियल सोइल इज सीरियस प्रॉब्लम ऑल ओवर कंट्रीज एक्सपेक्टेड देयर, हरियाणा में है, पंजाब में, राजस्थान में, बिहार में और वेस्ट बंगाल में, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम सर्वाधिक पाई जाती है एलुवियल सोइल में, क्योंकि इस जगह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल में एलुवियल सोइल पाई जाती हैं। फॉर्मेशन ऑफ सोइल क्रस्ट इन्वॉल्व ब्रेक डाउन ऑफ सोइल एग्रेट्स, यानी कि जो सोइल के जो एग्रेट्स हैं उनको तोड़ने का कार्य करता है क्रस्ट। वाई इम्पैक्ट रेन ड्रॉप डिस्प्रेशन ऑफ सोइल वाटर फ्रॉम सोइल सस्पेंशन एंड देयर रेसिंग डिनेशन, यानी कि जो सोइल की जो रन वर्षा की बूंदें होती हैं, ये इसको वर्षा की बूंदें हैं डिस्प्रेस करने का कार्य करती हैं, यानी कि हटाने का कार्य करती हैं। और जो सोइल वाटर होता है वो सोइल सस्पेंशन को बढ़िया तरीके से करता है।
इसका जो इस प्रकार की मृदाओं को सुधारने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ FBM ग्रीन मैन्योर विल अप्रूव दें। देखिए, इस प्रकार की मृदाओं को सुधारने के लिए अपन को FBM और ग्रीन मैन्योर इसमें बहुत ही लाभदायक है। ग्रीन मैन्योर के लिए सनैप ढैंचा आदि क्रॉप बेस्ट सूटेबल हैं। अब अपन चलते हैं अगली अगली, रेड चाक सॉइल। रेड चाक सॉइल क्या है? रेड सैंडी लोमी सॉइल चाक कवर लार्ज एरिया इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लाल मृदाएं होती हैं, इसलिए यहाँ सर्वाधिक होती है। जो रेड सैंडी लोमी सॉइल है वो चाक कवर सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में करती है। बिकम वेरी हार्ड ऑन ड्राइंग, अगर ये सूख जाने के बाद आज सर्वाधिक कठोर हो जाती है, वेरी हार्ड हो जाती है। सो क्रॉप ग्रोन एडवाइस अफेक्टेड, इसमें जो क्रॉप की ग्रोथ है वो सर्वाधिक प्रभावित होती है। किस मृदा में? जो रेड चाकली सोइल में। अब इसमें क्या होता है कि जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्लो डिकम्पोजिशन क्रॉप रेज्यू एंड अदर इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एस पावर्ड ग्राउंड रेंट सेलिंग पैडी हस्कीज 50 क्विंटल पर हेक्टेयर हेल्प टू फेवरेट क्रॉप ग्राउंड रिड्यूस हर्डलेस सोइल। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो पैडी का हस्क होता है वो 50 क्विंटल पर हेक्टेयर होता है। अब अपन आगे चलते हैं, बेस ऑन केमिकल नेचर, यानी कि केमिकल यानी कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर जो प्रॉब्लमेटिक सोइल होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इसमें इस प्रकार जो केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो प्रॉब्लमेटिक सोइल हैं वो आगे चलते हैं। पहला है साल्ट अफेक्टेड सोइल, यानी कि जो साल्ट प्रभावित मृदाएं हैं। साल्ट प्रभावित मृदाएं क्या हैं? साल्ट प्रभावित मृदाएं हैं जो सोइल कंटेंट एक्सेस सोल्यूबल साल्ट इन द रूट जोन विच एडवर्स ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप प्लांट आर कॉल्ड साल्ट अफेक्टेड सोइल। यानी कि साल जो सोइल में अगर घुलनशील साल्ट की मात्रा जड़ क्षेत्र में अधिक हो जाती है, जिससे कि उसकी ग्रोथ और उपज में कमी आ जाती है, वो साल्ट अफेक्टेड सोइल कहलाती हैं। इन इंडिया साल्ट अफेक्टेड सोइल कवर 7 मिलियन हेक्टेयर। पूरे भारत में जो साल्ट अफेक्टेड सोइल है वो 7 मिलियन हेक्टेयर पूरी इंडिया में है। और जैसे कि यूपी में है 1.29 मिलियन हेक्टेयर है, गुजरात में 1.21 मिलियन हेक्टेयर, वेस्ट बंगाल में 80.85 मिलियन हेक्टेयर, राजस्थान में 0.72 मिलियन हेक्टेयर, पंजाब में 69.69 मिलियन हेक्टेयर हैं। ये क्या है, अपने इंडिया में कुल टोटल 7 मिलियन हेक्टेयर साल्ट अफेक्टेड सोइल हैं। अब अगली चलते हैं, साल्ट अफेक्टेड सोइल R3 कैटेगरी 3 ग्रुप में बटी हुई है। साल्ट अफेक्टेड सोइल पहली है सलानी सोइल, दूसरी अल्कली सोइल या सोडिक सोइल बोलते हैं इसको, तीसरी है सलानी एंड अल्कलानी सोइल, सलानी एंड अल्कलानी सोइल। अब पहली पढ़ते हैं इसमें दोस्तों, अपन पहली पढ़ते हैं सलानी सोइल। कौन सी सोइल पढ़ते हैं? सलानी सोइल क्या है, जो कि कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जिसकी EC 4 डेसिमल पर मीटर से अधिक हो, pH 8.5 से कम हो और ESP यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो 15% से क्या हो, कम हो, वो कौन सी मृदाएं कहलाती हैं? सलानी सोइल कहलाती हैं। वो कौन सी मृदाएं कहलाती हैं? सलानी सोइल। अगर चलते हैं, दिया है वे एक्सेसिव साल्ट कॉन्सेंट्रेटेड सोइल विच एडवर्सली अफेक्टेड प्लांट ग्रोथ मेनली ड्यू टू इंक्रीज ऑस्मेटिक प्रेशर विच क्यूज फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। यानी कि जो इसमें क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल ड्रॉट होती है, यानी कि फिजियोलॉजिकल ड्रॉट किस कारण होती है? ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण। ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि जो साल्ट की कॉन्सेंट्रेट है, अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेट साल्ट कॉन्सेंट्रेट, वो किसमें, जो रूट जोन में सर्वाधिक हो जाने के कारण ये प्लांट ग्रोथ को प्रभावित करती है। क्यों प्रभावित करें? क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेट अधिक हो जाती है तो जो रूट का क्षेत्र होता है उसमें साल्ट अधिक हो जाने से ये प्लांट का वाटर को एब्जॉर्ब अवशोषित कर लेती है पार्ट, और जिससे पौधे में जल की कमी हो जाती है, इसलिए इसको फिजियोलॉजिकल ड्रॉट भी कहा जाता है। जो प्रोडोमिनेंट साल्ट कौन कौन से? कैल्शियम और सोडियम के, कैल्शियम सल वो नहीं क्लोराइड और सल्फाइड किसके? सोडियम
और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाइड लवण होते हैं, वो इसमें सलानी सोइल में सर्वाधिक पाए जाते हैं। देयर इज इम्बैलेंस अवेलेबल प्लांट न्यूट्रेंट लीडिंग टू टॉक्सिटी और डिफिशियंसी, यानी कि जो सलानी सोइल में प्लांट न्यूट्रेंट की उपलब्धता अस्थायी हो जाती है, या इसमें सर्वाधिक या तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है या उसकी न्यूट्रेंट की कमी हो जाती है। एक्सेसिव सोल्यूबल साल्ट, जो एक्सेसिव सोल्यूबल साल्ट है, शुड बी रिड्यूस अप टू मॉडरेट लेवल 6 डेसीमन/मीटर, जो कि 0 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक और 6 डेसीमन होता है वहाँ। लीचिंग विथ गुड क्वालिटी वाटर, यानी कि जो अच्छा इरिगेशन वाटर होता है उससे सिंचाई करने पर ये समस्या, लीचिंग करने पर समस्या दूर हो जाती है। लीचिंग रिक्वायर कैलकुलेट अकॉर्डिंग इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम एंड क्वालिटी ऑफ लीचिंग वाटर, यानी कि क्या है इसमें जो अपन जो लीचिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो कैलकुलेट करनी चाहिए इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम्स की और क्वालिटी ऑफ लीचिंग वाटर की क्वालिटी के आधार पर। किसके आधार पर? लीचिंग ऑफ वाटर की क्वालिटी के आधार पर। अब अपन चलते हैं, लीचिंग प्रोसेस डिस्पेस सलानी सोइल सोल्यूशन फ्रॉम रूट जोन विथ वाटर लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेट, यानी कि लीचिंग से क्या होता है, लीचिंग से ये होता है कि जो साल्ट जो सलानी सोइल में जो सोल्यूबल साल्ट होते हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेट यानी कि नीचे मृदा के नीचे चल रूट जोन से मृदा के नीचे चले जाते हैं, जिससे कि मृदा वहाँ पर जड़ क्षेत्र में साल्ट कॉन्सेंट्रेट मात्रा कम हो जाती है। अब लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है? लीचिंग रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला है DW, D कैपिटल D, एक वो है कोफैक्टर ले सकते हैं, तो ये DW = IW है, बराबर CIW = ECIW = ECW है। तो DW क्या होता है इसमें, DW है डिप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर है, IW है डिप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर। DW क्या है? डिप्थ ऑफ ड्रेनेज वाटर है और IW डिप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर है। इधर ये ECW क्या है? EC ऑफ इरीगेशन वाटर और CW = क्या है? EC ऑफ ड्रेनेज वाटर, यानी कि D है तो ड्रेनेज वाटर और I है तो इरीगेशन वाटर। ऐसे ये सब डिप्थ ऑफ इरीगेट ड्रेनेज वाटर और इसमें डिप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर, ये इस फॉर्मूले में अंदर है। और ये यहाँ इसमें ये दे रखी है जैसे कि कौन सा क्या है कौन सा क्या नहीं है, ये DW डिप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर ड्रेनेज वाटर, IW डिप्थ ऑफ इरीगेशन वाटर, CIW और ECU ऑफ इरीगेशन वाटर और ECW ECU ऑफ ड्रेनेज वाटर, ये सारी इसमें सूत्र हैं। अब आगे चलते हैं, प्रोविजनल ऑफ ड्रेनेज ऑफ अप अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ईच केस ऑफ सलानी सोइल रिजल्टिंग इन लोअर वाटर टेबल रिड्यूस साल कॉन्टेंट एंड इंक्रीज क्रॉप इल्ड। क्रॉप इल्ड बढ़ा सकते हैं अपन लीचिंग के द्वारा, जो साल्ट कॉन्सेंट्रेट है उनको नीचे निचली सतह में पहुंचा सकते हैं। मल्चिंग हेल्प टू रिड्यूस सोइल सलानिटी, यानी कि जो मल्चिंग प्रक्रिया है वो सोइल सलानिटी को घटा देती है। मल्चिंग रिड्यूस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ साल्ट ड्यू टू डिक्लाइन इन इवेपोरेशन लॉस। अगर ये जो जो मल्चिंग होती है वो इवेपोरेशन लॉस को कम कर देती है, जैसे इवेपोरेशन लॉस कम होने से जो साल्ट होते हैं वो मृदा की ऊपरी सतह में नहीं आ पाते हैं, इस कारण ये मल्चिंग भी होती लाभदायक है। एडिशन और ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव फिजिकल कंडीशन ऑफ द सोइल एंड मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कीप्स साल्ट एंड डिलेटेड फ्रॉम, यानी क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर के ऐड करने से फिजिकल कंडीशन भी अच्छी होती है और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। इसमें क्या है, ये जो मतलब साल्ट सलानिटी टॉलरेंट क्रॉप कौन सी हैं? एक बार्ले है, कॉटन है और शुगर वीट है, ये क्रॉप हैं जो साल्ट टॉलरेंट ऑफ सलानिटी हैं। अगली जो मीडियम टॉलरेंट क्रॉप हैं वो कौन सी हैं? वीट है, राइस है, ओट है, मेज है, सोरगम है, पोटैटो है, ये कौन सी हैं? मीडियम टॉलरेंट क्रॉप हैं। और सेंसिटिव क्रॉप कौन सी हैं?
सर्वाधिक संवेदनशील यानी कि लैंगियम है, वीन है, ग्राउंड नट है। लैंगियम, वीन और ग्राउंड नट ये कौन सी हैं? सेंसिटिव क्रॉप हैं जो कि सारी है, मतलब सलानी सोइल और लवणीय सोइल में नहीं उगती। अब अगली है अपनी दूसरे नंबर की, जो न, न, साल्ट कॉन्सन साल्ट अफेक्टेड सोइल में दूसरे नंबर की अपनी अल्कलाइनी सोइल। अल्कलाइनी सोइल की डेफिनेशन आपको पता ही है कि कमरे के ताप पर 25 डिग्री टेम्परेचर पर इसी 4 डेसीमल से कम, पीएच 8.5 से अधिक। लेकिन इसमें जो पीएच रेंज है वो 8.5 से 10 पीएच तक ही जो अल्कलानी सोइल है वो होती हैं, और ESP एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज वो 15 से अधिक, पीएच 8.5 से 10 पीएच तक, और ईसीए 4 डेसिमल से पर मीटर से कम। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो एक्सेसिव एक्सचेंजेबल सोडियम है, मतलब अधिक मात्रा में एक्सचेंजिव सोडियम, अधिक पीएच और लैक ऑफ न्यूट्रेंट यानी कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक, ये सब इनकी क्या है, कमी हो जाती है, और पूर फिजिकल कंडीशन यानी कि खराब भौतिक स्थिति हो जाती है। ओक्यू पूर एरिएशन होता है, चीपली क्यूज लो प्रोडक्टिविटी यानी कि इसमें क्या है कि जो मुख्यतः जो उत्पादकता है वो बहुत ही कम हो जाती है। सोइल बिकम जो सोइल कलर है, सोइल कलर बिकम ब्लैक हो जाता है ड्यू डिस्प्रेशन ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी के कारण। ऑर्गेनिक मैटर इसका कलर ब्लैक हो जाता है। जो वाटर इनफिल्ट्रेशन रेस है बिकम बिल्कुल लो हो जाती है, स्टेग्नेशन ऑफ वाटर यानी कि इसमें जो जल है वो अधिक साल्ट होने के कारण मृदा में अच्छी तरह से गति नहीं कर पाता है। सोइल बिकम क्लोटरी एंड हार्ड एट ड्राइंग, ये मृदा सूखने पर, मतलब सूखने पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और बादलों के समान यानी सफ़ेद सफ़ेद क्रस्टी समान दिखाई देने लगती है। हैवी इसका क्या है, एक तो या तो हैवी इरिगेशन करो जिससे कि जो साल्ट है वो लीचिंग हो जाती है, या फिर एडिशन ऑफ जिप्सम फैसिलिटी लीचिंग बाय सोल्यूबल साल्ट, सोल्यूबल साल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम के साल्ट को हटाने के लिए या तो हैवी इरिगेशन करो या जिप्सम करो। जिप्सम क्या है, जो जिप्सम डालने से क्या काम है, जो सोडियम होते हैं, जो सोडियम मृदा कण होता है, मृदा के जो क्ले मृदा होती है उस पर, तो कैल्शियम जिप्सम में क्या है, कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की पावर 2+ होती है, तो ये एक साथ जो सोडियम के दो कण, उस सोडियम के दो अणुओं को रिप्लेस करने का कार्य करता है, और ये कैल्शियम इस पर दो दो अणुओं पर आ जाता है, इससे कि जो मृदा का जो कण कणाकार है वो बहुत ही अच्छा होता है, ये सोडियम मृदा के कणों को तोड़ने का कार्य करता है, इससे ये जिप्सम इसमें बहुत ही लाभदायक है। इन ऑर्डर रिप्लेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोडियम यानी कि सोडियम का रिप्लेस करने का कार्य करता है, क्योंकि एप्लीकेशन इस कैल्शियम एसेंटली, इसलिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक है। जो सेवरल अमेंडमेंट है, कौन सा, एक जिप्सम है, सल्फर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, आयरन सल्फेट है, आयरन पाइराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है। लेकिन इसमें जो जिप्सम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कैल्शियम इसमें 29% कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि तो कैल्शियम का करता है सोडियम को, जो सोडियम को है मृदा कणों से रिप्लेस करने का कार्य करता है, जिससे कि मृदा संरचना काफ़ी सुधार आती है। अब तीसरी पढ़ते हैं अपन, तीसरी सोइल है सलानी एंड अल्कलानी सोइल यानी कि ये क्या करती है, दी सोइल है मिक्सचर कैरेक्टर्स भू सलानी और अल्कलानी दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सर्वाधिक हैं। इसकी जो डेफिनेशन वो 25 डिग्री टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर ईसी 4 डेसीमल पर मीटर से अधिक हो, पीएच 8.5 से अधिक हो और ईएसपी 15 से अधिक हो, यानी कि इसमें जो पीएच है 10 पीएच से अधिक होने पर ये सलानी अल्कलानी सोइल हो जाती है, क्योंकि 8 से 10 पीएच पर सलानी सोइल होती है, तो इस प्रकार इसमें सारे वो पाए जाते हैं। अब अपन अगले चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं, ये लो अगले पेज पर आ गए, यहाँ
सोइल शोविंग हाई सलानिटी एंड ईएचपी शुड बी रिक्लेमेंड फॉर बूथ मस्ट फॉर एंड लेटर फॉर एक्सेसिव एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट, अधिक मात्रा में एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट हो जाती है। ये टॉलरेंट ऑफ क्रॉप टू एक्सचेंजेबल सोडियम, जो एक्सचेंजेबल सोडियम है उसके प्रति टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, राइस है, शुगर बीट है और ढेचा है। क्योंकि दोस्तों जो राइस है इसको अधिक जल की आवश्यकता होती है, जो तो ये थोड़ा क्या जल से इसका लीचिंग हो जाता है। ढेचा भी एक हरी खाद के रूप में बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है, जो कि सर्वत अधिक जल जो अधिक सिंचाई क्षेत्र होता है वहाँ पर हरी खाद के रूप में ढेचा का उपयोग किया जाता है। और जो मीडियम टॉलरेंट है, मीडियम टॉलरेंट क्रॉप कौन सी है, बीट है, वारले है, ओएट है और मिलेट है। ये कौन सी हैं मीडियम टॉलरेंट क्रॉप हैं। और जो आपको पता ही है कि जो भी जो लैंगियम क्रॉप होती हैं वो एसिडिक और सलानिटी के प्रति सेंसिटिव होती हैं। लैंगियम क्रॉप एक मैज है और ग्राउंड नट है, ये क्या है, सेंसिटिव क्रॉप हैं अल्कलानिटी और सलानिटी के प्रति। अब दोस्तों अपन चलते हैं अगला, एसिडिक सोइल अम्लीय मृदा। अम्लीय मृदाएँ सर्वाधिक कहाँ होती हैं, जो कि इंडिया की जो पूर्वी, इंडिया का जो पूर्वी क्षेत्र होता है वहाँ पर सर्वाधिक एसिडिक सोइल के होती हैं। एसिडिक सोइल बनती क्यों है, एसिडिक सोइल अधिक वर्षा होने के कारण जो इसके जो मृदा के अपर पार्ट में जो सर्वाधिक न्यूट्रेंट होते हैं वो अधिक वर्षा होने के कारण लीचिंग हो जाती हैं। और यहाँ पर एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के ऑक्साइड हैं वो सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं, जिससे कि ये मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। यानी कि और ये क्या है कि जो नीला लिटमस पत्र होता है वो इसके जो सॉल्यूशन में डालने पर लाल कलर का हो जाता है, इसलिए ये एसिडिक सोइल होती हैं। ये क्या है, दिस सोइल हैज़ एक्सचेंजेबल एलिमेंट हाइड्रोजन विद पीएच 5.5 से कम हो जाती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर, और इसके जो उसको कम करने के लिए लाइम का एप्लीकेशन यानी कि चूने का उपयोग करना चाहिए। एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम ड्राइव ब्रेक डाउन सोइल क्ले मिनरल, यानी कि जो एल्यूमिनियम होता है वो सोइल के क्ले मिनरल्स को तोड़ने का कार्य करने लग जाता है, जिससे सोइल क्वालिटी क्या है ख़राब होने लग जाती है। सोइल में ऑर्गेनिक मैटर डालना बहुत ही लाभदायक होता है। और जो 15% सो एसिडिक कंडीशन होती है, बिकम ऑफ एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम कारण ये 15% एसिडिटी बढ़ जाती है। अब द ग्रेटेस्ट इनहिबिटर इफेक्ट इंक्रीज एल्यूमिनियम कॉन्सेंट्रेट इन सोल्यूशन इज ऑन द एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम इरेपेक्ट ऑफ प्लांट टाइप एंड एब्जॉर्बेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम इज आल्सो इनहिबिटेड्स। यानी कि जो भी अम्लीय मृदाएँ होती हैं उनमें एक तो अगर एल्यूमिनियम की जो कॉन्सेंट्रेट को बढ़ाने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम का उपयोग करना चाहिए। दिस सोइल नॉर्मल बिलोंग टू लेटराइट एंड लेटराइटिक सोइल होती है, यानी कि दिस नॉर्मली है इसमें, क्योंकि रेड एंड येलो ग्रुप रिच इन कैलियोनाइट के लिए, अगर लाल और पीला ग्रुप में सर्वाधिक कैलियोनाइट मिनरल्स होते हैं, जो साथ ही लो एसी इसकी CEC होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दे हैव लो ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इसमें क्या है, लो ऑर्गेनिक मैटर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम ऑक्साइड की कमी होती है। ये एसिडिक सोइल कवर लार्ज एरिया अबाउट 4.5 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि जो अम्लीय मृदाएं हैं वो इंडिया में 4.5 मिलियन हेक्टेयर कवर करती हैं। ये कहाँ है, असम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, वेस्ट बंगाल है, बिहार, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश और केरल, यानी कि लगभग सर्वाधिक ये पूर्वी भारत में सर्वाधिक अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। प्रिंसिपल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइम रिक्वायरमेंट, इसके लिए लाइम की ज़रूरत होती है, पीएच अमाउंट एंड टाइप ऑफ क्ले, सीईसी बफरिंग ऑफ कैपेसिटी, इसके आधार पर इसमें जो लाइम की सर्वाधिक रिक्वायरमेंट होती है। टॉलरेंट ऑफ एसिडिटिक क्रॉप, इसके लिए जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक
टॉलरेंट क्रॉप ये है टी है, क्योंकि सर्वाधिक चाय की खेती पूर्वी क्षेत्रों में होती है, इसलिए धान भी है अम्लीय में, और पोटैटो, टी और मिलेट ये क्या है, टॉलरेंट ऑफ एसिडिटी क्रॉप है। और सेमी टॉलरेंट में आपको पता ही है बंगाल ग्राम है, चना है, मक्का है, सोरगम है, मटर है, गेहूं है और बार्ले, ये मीडियम टॉलरेंट है। और सेंसिटिव क्रॉप है, आपको पता ही है सेंसिटिव क्रॉप कौन सी है, करार है, सोयाबीन है, कॉटन है, ओएट है। जो कॉटन थी ना वो सलानिटी के प्रति टॉलरेंट थी, लेकिन एसिडिक के प्रति, एसिडिक मृदाओं के प्रति सेंसिटिव है। दोस्तों ये हमारी प्रॉब्लमेटिक सोइल हैं, और इनके बारे में थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में बताएं, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए बहुत ही आगे और वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो दोस्तों आपको हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू, धन्यवाद।